आजठारु बीजेपी आरंभ करिछि मेगा सदस्यता अभियान एवं एही क्रम रे मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान वाराणसी रे कार्यकर्ता को संबोधन करछन्ति। सीधा प्रसारण आमे देखौ छु। आज मुझे काशी से भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को आरंभ करने का अवसर मिला है। हमारे प्रेरणा पुंज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ होना सोने में सुहागा है। उनके सपनों को जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ होना सोने में सुहागा है। उनके सपनों को हम पूरा कर सके इस आशा के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मैं आदर पूर्वक नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। और ये भी संयोग है कि ये भवन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर है और ये देश भर का कार्यक्रम का आरंभ, ये कार्यक्रम अमरत्व प्राप्त हमारी काशी में हो रहा है। यानी एक त्रिवेणी बनी है जिसे आशीर्वाद लेकर के हम सदस्यता अभियान शुरू कर रहे हैं। काशी के आप सभी कार्यकर्ताओं, देश भर के कार्यकर्ताओं को एक सफल सदस्यता अभियान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब से कुछ देर पहले मुझे एयरपोर्ट पर स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य मिला है। उसके बाद वृक्षारोपण का एक बहुत बड़ा अभियान आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज आरंभ हुआ है। उस पवित्र कार्य का भी मैं हिस्सा बना। साथियों, आज सदस्यता अभियान पर आप लोगों से विस्तार से बात करने से पहले मैं भी एक बहुत बड़े लक्ष्य पर आपसे और प्रत्येक देशवासी से बात करना चाहता हूं। यह लक्ष्य सिर्फ सरकार का नहीं है, यह लक्ष्य हर भारतीय का है। भाइयों और बहनों, कल आपने बजट में और उसके बाद टीवी पर चर्चाओं में और आज अखबारों में एक बात पढ़ी सुनी देखी होगी। एक शब्द गूंज रहा है चारों तरफ, हर कोई बोलना शुरू किया है, देखते ही देखते कानों कानों बात पहुंचने लगी है। और वो क्या है? $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। आखिर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य का मतलब क्या है? एक आम भारतीय जिंदगी का, हर एक भारतवासी का
इससे क्या लेना देना है, ये आपके लिए सबके लिए जानना भी और जानकर के घर घर जाकर के बताना भी बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए भी है क्योंकि कुछ लोग हैं जो हम भारतीयों के सामर्थ्य पर शक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत के लिए ये लक्ष्य प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। आपने सुना होगा, कल से चर्चा चल रही है। साथियों, जब ऐसी बातें सुनता हूं तो काशी के इस बेटे के मन में कुछ अलग ही भाव जगते हैं। आशा निराशा में उलझे लोगों तक मैं अपने मन के भाव पहुंचाना चाहता। वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है। उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है। चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा, इन्हीं में तो छिपी संभावना अपार है। चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा, इन्हीं में तो छिपी संभावना अपार है। विकास के यज्ञ में परिश्रम की महक है, यही तो मां भारती का अनुपम श्रृंगार है। विकास के यज्ञ में परिश्रम की महक है, यही तो मां भारती का अनुपम श्रृंगार है। गरीब अमीर बने नए हिंद की भुजाएं। गरीब अमीर बने नए हिंद की भुजाएं, बदलते भारत की यही तो पुकार है। देश पहले भी चला और आगे भी बढ़ा। अब न्यू इंडिया दौड़ने को बेताब है। दौड़ना ही तो न्यू इंडिया का सरोकार है। तो साथियों, बात होगी हौसले की, नई संभावनाओं की, विकास के यज्ञ की, मां भारती की सेवा की और न्यू इंडिया के सपने की। ये सपने बहुत हद तक जुड़े हुए हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य से। साथियों, 5 ट्रिलियन का मतलब होता है $5 लाख करोड़। और अगर रुपये के संबंध में बात करें तो समझिए कि उसका भी 65-70 गुना। दूसरे शब्दों में कहें तो आज हमारी अर्थव्यवस्था का जो आकार है उसका लगभग लगभग 2 गुना।
आप सोच रहे होंगे कि कार्यकर्ता सम्मेलन में कहां मैं अर्थशास्त्र की इतनी गूढ़ बातें क्यों करने लग गया। देखिए दोस्तों, मैं खुद भी कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, मुझे अर्थशास्त्र का अ भी नहीं आता है, लेकिन सच्चाई यही है कि आज जिस लक्ष्य की मैं आपसे बात कर रहा हूं वो आपको नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर करेगा। नया लक्ष्य, नया उत्साह भरेगा, नए संकल्प, नए सपने लेकर हम आगे बढ़ेंगे और यही मुसीबतों से मुक्ति का मार्ग है। साथियों, अंग्रेजी में कहावत होती है कि साइज ऑफ द केक मैटर्स, यानी जितना बड़ा केक होगा उसका उतना ही बड़ा हिस्सा लोगों के नसीब होगा, लोगों को मिलेगा। और इसलिए हमने भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था ये बनाने का लक्ष्य तय किया है, उस पर जोर दिया है। अर्थव्यवस्था की साइज और आकार जितना बड़ा होगा स्वाभाविक रूप से देश की समृद्धि उतनी ही ज्यादा होगी। हमारे यहां गुजराती में कहावत है, मुझे पता नहीं हिंदी में क्या होगा, वो कहावत ऐसी है, अगर कुएं में है तो हवाड़े में आएगा। मतलब अगर कुआं भरा पड़ा है तो फिर छोटे 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 अगर तालाब है वो तो उसमें पानी पहुंचेगा, खेत तक पहुंचेगा, अगर कुएं में नहीं होगा तो कहां पहुंचेगा। यही समृद्धि हर परिवार की, हर व्यक्ति की आय, आमदनी और जीवन स्तर में भी परिवर्तन लाती है। अब सीधी सी बात है कि परिवारों की आमदनी जितनी ज्यादा होगी परिवार के सदस्यों की आमदनी उसी अनुपात में ज्यादा होगी और उनकी सुख सुविधाओं का स्तर भी उसी अनुपात में ऊंचा होगा। साथियों, आज जितने भी विकसित देश हैं उनमें ज्यादातर के इतिहास को देखें तो एक समय में वहां भी प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन इन देशों के इतिहास में एक दौर ऐसा आया जब कुछ ही समय में प्रति व्यक्ति आय ने जबरदस्त छलांग लगाई।